सो गाइस, आज मैं आप लोगों को फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ सुप डेविल जैसा एडिट आप लोग कैसे कर सकते हो। वीडियो को फुल्ली देखना, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ कम्प्लीटली बताऊंगा। गाइस, आप लोग कैसे बैकग्राउंड एडिटिंग कर सकते हो, कैसे आप लोग हेयर को बना सकते हो, कैसे ऑयल पेंटिंग इफेक्ट दे सकते हो, कैसे फेस को स्मूथ कर सकते हो, हर एक चीज़ बताऊंगा, कैसे चमक दे सकते हो फोटो के अंदर, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो पर मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है एंड अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली आप लोग देखोगे तो आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से सुप डेविल जैसा फोटो एडिटिंग कर सकते हो। सो गाइस, मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। गाइस, अगर इस चैनल पर आप लोग न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। सो चले आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सुप डेविल भाई को आप लोगों को फॉलो कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएगा। आप लोग जिस फोटो का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं उसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को। गाइस, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को मैं प्रोसेस बताऊँगा आप लोग कैसे उसका बैकग्राउंड ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस, चलिए यहाँ पर स्नैपसीड ऐप के अंदर। गाइस, स्नैपसीड ऐप के अंदर फोटो को ओपन कर लीजिए जिस फोटो का बैकग्राउंड आप लोग लेना चाहते हो। जैसे कि मैं सुप डेविल भाई का इस फोटो का बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ एंड मेरे फोटो के अंदर मैं इस बैकग्राउंड को लगाऊंगा, तो इसलिए मैं स्नैपसीड ऐप के अंदर इस बैकग्राउंड को ओपन किया। ओपन करने के बाद गाइस, नीचे टूल्स ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद ये वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, इसको ऑन कर लेना है एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को देना है। एंड गाइस, यहाँ पर भी देना है आप लोगों को और उसके बाद मॉडल के अंदर देना है, ठीक है। सो मॉडल का जो पार्ट है यहाँ पर गायब हो जाएगा यहाँ से एंड सिर्फ बैकग्राउंड ही आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड ले सकते हैं इंस्टाग्राम से, ठीक है। सो ये एक न्यू ट्रिक था, अगर आप लोगों को पहले से भी पता था तो नीचे कमेंट करना है, और नहीं पता था तो वो भी कमेंट करना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ से मैं बैकग्राउंड को तो ले लिया और उसके बाद राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करूँगा। टैप करने के बाद यहाँ से मैं व्हाइट जो एरिया है उसको क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। सो आप लोग पहले भी व्हाइट एरिया को क्रॉप कर सकते हो, अच्छा होगा। सो यहाँ पर मैं क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद गाइस, यहाँ से आप लोगों का जो बैकग्राउंड है रेडी हो चुका है। सो गाइस, यहाँ से आप लोग सेव कर लीजिए बैकग्राउंड को। सेव करने के बाद चला जाऊँगा यहाँ पर मैं ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ बैकग्राउंड को। सो गाइस, इस वाइट बैकग्राउंड को मैं ओपन कर लूँगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, क्योंकि गाइस इंस्टाग्राम का जो बैकग्राउंड है वो फुल HD नहीं है, इसलिए गाइस सबसे पहले इस बैकग्राउंड को आप लोगों को ओपन कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। ओपन करने के बाद उस बैकग्राउंड को इनपुट कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है, तभी फुल HD में फोटो एडिटिंग होगा। सो यहाँ से मैं ऐड फोटो पर जाऊँगा और यहाँ से मैं बैकग्राउंड को इनपुट कर लेता हूँ गाइस, इनपुट इमेज, और यहाँ से गाइस जिस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर इरेज किया था उसको मैं इनपुट कर लेता हूँ। इनपुट करने के बाद गाइस जूम करूँगा मैं, और जितना जूम हो सके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हो गया। और गाइस यहाँ पर मैं राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर दूँगा, ठीक है, अच्छे तरीके से मैच करके मैं टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ से आप लोगों को मॉडल को इनपुट कर लेना है गाइस। सो मॉडल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर टैप करना है आप लोगों को। टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इनपुट इमेज और मॉडल को इनपुट कर लेना है यहाँ से आप लोगों को, और यहाँ पर मॉडल कहाँ पर है, और यहाँ पर मॉडल है गाइस, यहाँ से आप लोगों को मॉडल को इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है, और उसके बाद राइट वाले ऑप्शन, और यहाँ से गाइस टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है आप लोगों को टूल्स, और यहाँ से आप लोगों को बैकग्राउंड इरेजर ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों को, और सेटिंग को देख लीजिए आप। सेटिंग को मैं 98 रखूँगा और साइज को अपने मुताबिक से, और बैकग्राउंड के साथ कुछ इस तरीके से मैं पेंट करूँगा, ठीक है। सो बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा, मैं फटाफट से रिमूव कर लेता हूँ। गाइस वीडियो को फुल्ली देखना एंड वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस मैं कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। आप लोग देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं जूम करके जो हेयर है इसके अंदर भी रिमूव कर लेता हूँ, जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करता हूँ, क्योंकि गाइस अगर आप लोग अच्छे तरीके से रिमूव नहीं करोगे तो आपका जो फोटो है बहुत ही फेक टाइप का लगेगा। इसलिए गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बैकग्राउंड को इरेज करना पड़ेगा, तभी जो फोटो है अच्छा लगेगा, ठीक है। सो इसी बात को आप लोगों को ध्यान में रख के एडिटिंग करना है, तभी आपका जो एडिटिंग है एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर लिया। एंड गाइस, अगर आप लोग इसको इधर उधर लगाना चाहते हो यानी पोजीशन करना चाहते हो, तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है और यहाँ पर ट्रांसफर
तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा, आप लोग जहाँ पर लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर रख देता हूँ और उसके बाद राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद गाइस हेयर को यहाँ पर एडिटिंग करना है। हेयर को एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, सो इसके अंदर टैप करना है और यहाँ से आप लोगों को एक ब्रश मिल जाएगा, जिस ब्रश को मैं यूज़ करता हूँ ये वाला ब्रश। सो इसके अंदर टैप करना है आप लोगों को। टैप करने के बाद सेटिंग और नीचे दो ऑप्शन को 10% रख के साइज को अपने मुताबिक से रखना है। गाइस जूम कर लेना है फोटो को और कुछ इस तरीके से हेयर को बना लेना है। मैं जो बना रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप लोगों को हेयर को बना लेना है, बहुत ही आसान है गाइस। इस तरीके से हेयर को बनाने के बाद गाइस अगर फेस को स्मूथ करना चाहते हो आप, तो फेस इस तरीके से भी स्मूथ कर सकते हो इसी ब्रश के मदद से, ठीक है। सो मैं फेस को भी स्मूथ कर लेता हूँ फटाफट से। गाइस फेस स्मूथ हो चुका है एंड यहाँ से मैं हैंड को भी स्मूथ कर लेता हूँ थोड़ा सा। हैंड स्मूथ हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को इस फोटो को यहाँ पर से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोगों को लाइट मैप के अंदर ओपन कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो फोटो है मैं एडिटिंग कर चुका हूँ एंड लाइट मैप के अंदर मैं आप कलर रिडक्शन करूँगा एंड चमक डालूँगा, ठीक है। सो कैसे डालना है चमक एंड कलर वीडियो के अंदर देख लीजिए स्टेप बाई स्टेप। सो चलिए लाइट मैप के अंदर गाइस, फोटो लाइट मैप के अंदर ऐड हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं ऑटो ऑप्शन, इसके अंदर टैप कर देना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से मिक्स वाले टूल। गाइस यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले फेस को थोड़ा सा वाइट करना है एंड मैं वाइट कर लेता हूँ फेस को। और उसके बाद गाइस आप लोगों को जो यहाँ पर ब्लू कलर है इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है और उसके बाद डन पर टैप कर देना है। और यहाँ से आप लोगों को क्लैरिटी को हाई कर देना है, ठीक है। और जो नीचे का ऑप्शन है उसको थोड़ा सा हाई कर देना है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर से जो शार्पनेस है उसको हाई कर देना है और यहाँ से दो ऑप्शन को ऑन कर देना है। आप लोग देख सकते हैं गाइस जो फोटो है यहाँ पर उसके जैसा बन चुका है एंड आप लोग देख सकते हैं नीचे जो यहाँ पर पेंट है कितना चमक रहा है, ठीक है। सो ये था आज का टिप्स। और गाइस लास्ट में और एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप लोग ऑयल पेंटिंग इफेक्ट दे सकते हैं। सो उसको मैं पहले से ही बता चुका हूँ, सो मैं उसको अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ यहाँ से। सेव करने के बाद गाइस आप लोगों को ओपन कर लेना है एक न्यू एप्लीकेशन में, उसके अंदर ऑयल पेंटिंग इफेक्ट देना है आप लोगों को, ठीक है। सो फोटो सूप डेविल जैसा बन जाएगा आपका। सो चलिए उस ऐप पर। सो गाइस ऐप का नाम ए है एंड इसको आप लोग प्ले स्टोर से बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोगों को इनपुट कर लेना है फोटो को। इसके ऊपर मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर मैं टैप करके फ़ोटो को ले लूँगा एंड यहाँ पर से इफेक्ट पर जाकर मैं यहाँ पर वन पर टैप कर दूँगा, ठीक है। ऑयल पेंटिंग इफेक्ट दे दूँगा एंड राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर दूँगा। सो फोटो जो है ऑयल पेंटिंग इफेक्ट आ जाएगा फोटो के अंदर और एडिटिंग जो है कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा था नीचे कमेंट करके बताना। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।